हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम आए हुए हैं पटना के ज्ञान भवन। यहाँ पर मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना BSEB द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाती है। इस समारोह में मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसमें मैट्रिक और इंटर्स के टॉपर्स छात्रों को इन्वाइट किया जाता है और उन्हें प्राइज दी जाती है। तो व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको अंदर का सीन दिखाऊँगा। वहाँ पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर जी भी आने वाले हैं। तो मैं आपको रूबरू दिखलाऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। एक्चुअली यहाँ मुझे भी इनवाइट किया गया है क्योंकि मैं 2020 मैट्रिक परीक्षा के टॉप 10 में शामिल था। तो अभी ज्ञान भवन में प्रवेश करने में अभी टाइम है, इसलिए आप देख सकते हैं इसका बाहर से सीन जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। देश में तो गाइस, मैं ज्ञान भवन में प्रवेश कर चुका हूं, मैं अपने सीट पर बैठ चुका हूं। तो देख सकते हैं ये जो भाषण चल रहा है वो आनंद किशोर जी का है, और वो सामने आप देख सकते हैं मंत्री जी, शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं विजय कुमार चौधरी जी, जो काले कोट में है। कई महत्वपूर्ण ऐसी परिस्थितियां और ऐसी चुनौतियां उत्पन्न हुई जिसके कारण इन परीक्षाओं का ससमय आयोजन यदि कठिन दिख रहा था, किंतु चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। तो देख सकते हैं राइट साइड से तीसरे स्थान पर ये सीट पर बैठे हुए वो शिक्षा मंत्री जी हैं विजय कुमार चौधरी जी, और जो भाषण दे रहे हैं वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी हैं। यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके साथ साथ राज्य के वैसे लाखों परीक्षार्थी और उनके अभिभावक भी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन का जो हिस्सा बने, इसके फलस्वरूप बिहार ने पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। विगत कई वर्षों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उत्कृष्टता के